आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लैपटॉप के टच पैड पर आप ऐसा गोल बिंदु सा दिखाई देता होगा। आप जब भी लैपटॉप यूज़ करते हो तब आपको, जब भी टच पैड में यूज़ करते हो तब आपको एक टच पैड के अगली साइड में एक गोल गोल बिंदी सी दिखाई देती है। ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप में नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जिनके अंदर ये बिंदी होती है। तो इसका यूज़ क्या होता है, हम लोग कैसे इसको काम में लेते हैं, बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस डॉट या बिंदी का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और ये किस काम के लिए लैपटॉप में दी गई है। बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ये ऐसे ही डिज़ाइन के लिए दी गई होगी, तो इसका भी एक उपयोग है। क्या उपयोग है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसका क्या उपयोग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और चल के देखते हैं कि हम लोग इसका यूज़ है वो कहाँ लेते हैं और ये किस काम के लिए आता है। तो दोस्तों आप गौर से देखते होंगे तो मैं आपको इस लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक बिंदी है जो लैपटॉप के अंदर आपको शो हो रही है। तो इस बिंदी का मोस्टली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं और किस काम में लेते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप के अंदर दिखा देता हूँ, मैं जो ये क्रेशर से टच पैड से इधर उधर तीर को वो हिला रहा हूँ, तो जो क्रेशर है वो तीर है वो इधर उधर हिल रहा है, जबकि यहाँ पर आप एक डॉट देख पा रहे हो। इस डॉट पर मैं दो बार टच करता हूँ कंटिन्यू, एक दो, तो ये लॉक हो जाता है। यहाँ पे लाइट भी आपको दिखाई दे रही है, लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब ये टच पैड है वो लॉक हो गया। अब ये टच पैड है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप इसको कितना भी टच पैड पे वर्क कराओ या इधर उधर क्रेशर को हिलाओ, वो हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि टच पैड पे वो लॉक हो गया है, फिक्स हो गया है। जब भी आप दो बार वापस टच करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और फिर आप टच पैड से काम कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जब भी किसी को टच पैड लॉक करके देना चाहें तो यहाँ से टच पैड को है वो लॉक करके दे सकते हैं और टच पैड को है वो अनलॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग ये टिप एंड ट्रिक्स है वो सीख चुके होंगे। अब आप जब भी लैपटॉप यूज़ करते होंगे तब आपको जब भी इस टाइप का टच पैड के अंदर आपको ऐसा बिंदु दिखाई दे तो आपको पता है कि इसका यूज़ है वो किस काम के लिए आता है और हम लोग इसको यूज़ है वो कैसे लेते हैं। तो ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है बल्कि इसको हम लोग यूज़ में भी लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।